हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। अतिथि शिक्षकों को अभी भी करना पड़ रहा है संघर्ष नियमितीकरण की मांग को लेकर, ठीक है, जिसके लिए सत्ता परिवर्तन की गई थी, ठीक है। कांग्रेस से बीजेपी बनी थी सरकार, उसमें अभी भी अतिथि शिक्षक संघर्ष कर रहे। जिनने सत्ता पलटी थी वो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। वो अभी तक सड़क पर नहीं उतरे हैं। न अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई घोषणा की है, न अभी तक कोई योजना बनाई गई है, न अतिथि शिक्षकों के लिए एक भी शब्द बोला गया है। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बोला है कि ज्योतिराव सिंधिया जी जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए सड़क पर उतरे और उनका नियमितीकरण करवाएं। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पा लें। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहे थे अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए अभी भी करना पड़ रहा है संघर्ष। अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर रहे थे सिंधिया, गिर गई थी कमलनाथ की सरकार। बता दें कि 14 फरवरी 2020 को टीकमगढ़ जिले में कुंडीला ग्राम में एक सभा में संबोधित करते हुए ज्योतिराव सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षकों की मांग का समर्थन में सड़क पर उतरने की बात कही थी, जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए एक दिन बाद ही 15 फरवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि उतर जाओ सड़क पर। इसके बाद दोनों के बीच दूरी कम नहीं हुई। सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी और 20 मार्च 2020 को सरकार गिर गई और शिवराज सरकार वापस आ गई सत्ता में। हालांकि अतिथि शिक्षकों की स्थिति आज भी वही है, ना तो पूर्व में रही कांग्रेस सरकार में थी और वर्तमान में भी बीजेपी सरकार में भी वही है। और अतिथि शिक्षकों की मांगें भी वही तस्कीमस बनी हुई हैं। ना तो बीजेपी सरकार ने कुछ किया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए, ना कांग्रेस ने कुछ किया है, ठीक है। अतिथि शिक्षकों की मांगें जैसी थी वैसी बनी हुई, उनकी मांग पर अभी तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने कहा है कि सिंधिया जी तो मंत्री बनकर केंद्र में बैठ गए हैं, अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर है, ठीक है। अतिथि शिक्षकों के लिए कब सड़क पर उतरेंगे ज्योतिराव सिंधिया जी, अतिथि शिक्षक सिंधिया जी से पूछना चाह रहे हैं। धन्यवाद।